सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं द पाल वर्ल्ड। भाई ये है हमारा बेस जो कि हमने बनाया है, एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जिसको आप साउथ दिल्ली का पॉश एरिया भी बोल सकते हैं, बिकॉज भाई ये बहुत ही खास लोकेशन है। तो भाई आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो है एग्स। तो भाई उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्स हैं, ये गलती से हुआ वैसे। तो भाई उसमें आपको मिलेंगे ये सारे एग्स जो कि अलग अलग पावर्स अपने अंदर रखते हैं। कोई इलेक्ट्रिक एग है, कोई कोल्ड एग है, कोई फ्रोजन एग है, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं यार। और भाई ऊपर जो मैंने तीन स्टोरेज बॉक्सेस रखे हैं ना, ये तो है रेंच नहीं है, ये ब्रीडिंग फार्म। भाई ब्रीडिंग फार्म के ऊपर भी एक अंडा लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। अंडा इसलिए लगा है क्योंकि जब भी आप दो पाल्स को यहाँ पर छोड़ते हो ना, तो उन दोनों का मिक्सचर बन के एक अंडा निकलता है। और भाई उस अंडे को जब आप इनक्यूबेट करते हो ना, तो भाई उसके अंदर जो पोकेमोन निकलता है उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के गुण होते हैं। तो भाई ये जो तीनों स्टोरेज बॉक्स आप देख रहे हो, इन सब के अंदर मैंने रखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अंडे। और भाई सबके अलग अलग पावर है, जैसे इस पर 50 है, तो भाई 50 जिस पे पावर है ना वो सबसे हैवी एग है, बिकॉज उसका वेट 50 है। वो इतना बड़ा है कि उसका वेट 50 है। तो भाई अभी मैं इनक्यूबेट करने वाला हूँ सभी के सभी ऐसे एग्स जिनका वेट 50 या 25 है, क्योंकि ये हैं लार्ज और ह्यूज एग्स। तो भाई इन दोनों एग्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन होने के चांसेस हैं। तो एक एक करके सारे के सारे एग इनक्यूबेटर्स के अंदर मैं इसको लगा देता हूँ, एंड लेट्स सी इससे हमें पोकेमोन मिलता कौन सा है। पर भाई लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि जो 25 वेट वाला जो एग है उसको लगते हैं अराउंड से 10-15 मिनट, और जो 50 वाला है उसको लगते हैं अराउंड 1 आवर। और भाई ये 1 आवर ऐसा नहीं होगा कि आपने इनक्यूबेशन पे लगा दिया भाई आप गेम बंद करके सो गए, एक घंटे बाद खेल रहे हो तो चलेगा। नहीं भाई, आपको गेम में अवेलेबल रहना पड़ेगा एक घंटे, तब जाके वो एक घंटे का टाइम काउंट होता है। तो भाई ऑलमोस्ट मैंने सभी एग इनक्यूबेटर के अंदर एग्स लगा दिए, एंड ये है हमारा लास्ट। इसके अंदर एग इनक्यूबेटर लगा देते हैं फिर। ये भाई लार्ज एग लगा दिया मैंने। एग्स हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इसको 2-3 बार में हम लोग कर सकते हैं। फ़िलहाल के मैंने पूरा का पूरा भर दिया इसे। गाइस एग इनक्यूबेटर बनाने के लिए आपको बहुत ही खास मटेरियल चाहिए होता है, जिसका नाम है एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट। तो भाई एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट अगर आपका नहीं है तो आप नहीं बना सकते, इसलिए बहुत कम मैम लाइक उसमें लेवल में बनते हैं, इसलिए मैं इतने ही बना पाया हूँ अभी तक। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा एक पूरी ऐसी छत हो जो पूरी इससे भरी हुई हो। और ये जो आप लाइट गोल्डन कलर में देख रहे हो ना, ये इसका मतलब है कि इनका इनक्यूबेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन भाई मैं खोलूँगा सबके सब एक बार में। इसमें 3 मिनट का वेटिंग है, इसमें 24 मिनट का वेटिंग है यार, इसमें तो लगेगा टाइम। इसमें भी 3 मिनट का वेटिंग है। तो भाई कुल मिला के हमें 24 मिनट और वेट करना पड़ेगा अगर हमें साथ में ये सारी चीज़ें करनी है तो। अरे वेट तो खैर क्या ही कर सकते हैं, हम लोग करना ही पड़ेगा। इसको थोड़ी सी ठंड लग रही थी इस वाले एग को, तो इट वॉज़ फीलिंग लिटिल कोल्ड। तो मैंने यहाँ पर एक आग जला दी है, आप देखते हैं क्या हिसाब कुछ में। नाउ इट्स फीलिंग कम्फर्टेबल, सो इफ नाउ इट्स फीलिंग कम्फर्टेबल देन तो भाई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेट्स सी कितना टाइम लगने वाला है। थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर वेट। भाई यहाँ पर चल रही है गार्डनिंग, क्योंकि ये मैंने बनाए थे यहाँ पर वीट फार्म्स। भाई वीट का फार्म मैंने क्यों बनाया मैं आपको बता देता हूँ। तो वीट से बनता है फ्लोर, मतलब आटा। भाई आटे की नीड पड़ेगी केक बनाने में। और भाई केक क्यों बनाना है? भाई केक इसलिए बनाना है कि जो ऊपर मैंने ब्रीडिंग फार्म आपको दिखाए थे उसमें जब दो पाल्स आप छोड़ते हो ना, तो उनका बेस ही ये होता है कि भाई वो तभी कर पाएंगे, मतलब अपने प्यार का इजहार, जब उनको केक मिलेगा खाने के लिए। पता नहीं क्या फैंटेसी है, बट उनको केक चाहिए। तो ब्रीडिंग फार्म में केक नहीं रखोगे तो आपको एग नहीं मिलेगा, तो केक रखना मैंडेटरी है। एंड भाई आई थिंक मुझे क्या लगता है ना, अब हमें जाके एक बार अपने एग्स चेक करने चाहिए। अब हो गया काफ़ी सारा टाइम। तो भाई 1 eternity later हम लोग पहुँच गए हैं वापस अपने लोकेशन पे। एंड भाई अब मैं क्या देखता हूँ, मेरे सारे के सारे एग्स हो गए हैं इनक्यूबेट, सब के सब गोल्डन में। आग की हमें ज़रूरत नहीं है, आग उड़ा देते हैं। एंड भाई अब मैं आपको ना एक एक करके बताता जाता हूँ कि पोकेमोन मिला कौन कौन सा है। एंड ये सबके सब हैवी तगड़े पोकेमोन होने वाले हैं, सो मज़ा बहुत आएगा, पूरा लास्ट तक देखना।
इससे स्टार्ट करते हैं भाई। ये 50 लेवल वाला था भाई, इससे मुझे मिली है ग्रीन टेल। और भाई ग्रीन टेल मिलती है, मेरा हो गया लेवल अप, क्योंकि बहुत पावरफुल पोकेमोन है यार भाई। इससे मुझे मिला है, नाम नहीं पढ़ने मेरा, नॉक्स। यहाँ से मुझे मिला बूशी। बूशी इज़ अ न्यू कैरेक्टर भाई, मेरे पास नहीं था ये, और बहुत पावरफुल है मैंने सुना है भाई। यहाँ से मुझे रॉबिन क्विल, भाई रॉबिन क्विल ऐसा पोकेमोन है बहुत ज़्यादा आक्रामक, इसके सामने अगर आप आ गए तो अटैक करना स्टार्ट कर दो। एलिजा बी मुझे मिली है भाई, एलिजा बी। एलिजा बी इज़ अ क्वीन ऑफ बीज भाई। यहाँ पर मुझे मिला है भाई ब्रॉन चेरी, ये बहुत ही तगड़ा सा एक पोकेमोन है ड्रैगन टाइप का। यहाँ मुझे मिली है फिर से ग्रीन टेल भाई। यहाँ मुझे मिला है सिलेरी, ऑलरेडी मेरे पास था। ये लास्ट है भाई, यहाँ मुझे मिला है टॉम बैट, बहुत ही तगड़ा पोकेमोन है यार। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर वालों को रखो ध्यान। आप सबको राम राम।